हेलो, जय अंबे मां। जैसा कि आज 22 अक्टूबर 2020 है और आज नवरात्रों का छठा दिन है, माँ दुर्गे के छठे स्वरूप को स्कंद देवी कात्यानी कहते हैं। माँ दुर्गे के छठे स्वरूप का नाम कात्यानी है। इनकी उपासना से भक्तों को आसानी से अर्थ अर्थ का अर्थ है बच्चों धन, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा से माँ भगवती की कठिन तपस्या की, तब देवी ने इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका यह नाम पड़ा। एक समय कृत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य थे। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध काव्य गोत्र से ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। देवी कात्यायनी का जन्म देवताओं ऋषियों के जीवन के कल्याण के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में पुत्री रूप में हुआ था। ये अमोद फलदायिनी है। ये दानों असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहलाती हैं। इनका वाहन शेर है। इनकी चार भुजाएं हैं। सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी माँ का स्वरूप मनमोहक है। इनके बाएं हाथ में कमल व तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन देवी को इसी स्वरूप की पूजा होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा गृहस्थी और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी है। माँ कात्यायनी का पूजन और सत्संग निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्र हसोजा बलकरा शरद लावरावहम कात्यानी शुभदा देवी दानवा खातनी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जय माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी आप सब बच्चों का जीवन सुखमय रखें। उनकी कृपा निरंतर आप सब सब पर बरसती रहे, आपका वो कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो। जय माँ अम्बे।